गाइस वेलकम टू केम हाउस। सो गाइस आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे रेफरेंसेस बुक क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10। और आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है आपकी रेफरेंसेस बुक से जीजेजी से लिया है। इस बुक से काफी सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आईआईटी जैम में आ चुके हैं, सीएसआईआर नेट में पूछे जा चुके हैं और आपके गेट में भी काफी सारे क्वेश्चन आपके इस बुक से पूछे जा चुके हैं। तो जो गाइस हमारा आज का जो रिएक्शन है कौन सी होंगी, कौन से कंसेप्ट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्शन किया है। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग जो भी कंटेंट आपके सामने लाते हैं सभी यूनिक और एडवांस लेवल का हम लोग गाइस आपके सामने कंटेंट लेके आते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, हमारे केम हाउस फैमिली को इंक्रीज करें, बढ़ाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशंस की ओर। तो आज हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे दो रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ऑथेंटिक और रेफरेंसेस बुक के साथ हम लोग आप तक कंसेप्ट पहुंचा रहे हैं। तो दो हम लोग आज यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस करने वाले है। रिएक्शन फर्स्ट है आपकी वुल्फ किशनर रिडक्शन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वुल्फ किशनर रिडक्शन। और जो सेकंड कंडीशन दी हुई है आपको, जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पीटी मेटल दिया है और यहाँ पे दिया है हमें हाइड्राजीन दिया है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कंडीशन दिया है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आपकी वुल्फ किशनर रिडक्शन। और सेकंड वाली ये जो मोटी दिख रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट बता रहा है, साथ में CH2Cl2 और कार्बोनिल ग्रुप दिया है। अब ये जो कंडीशन है ये है आपकी अल्डर इन रिएक्शंस। दो रिएक्शंस हम लोग आज आपके सामने डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से गाइस पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम्पल्स की आपके एग्जाम्स में बनने की, क्योंकि यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिया है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट बताया है आपकी जीजेजी ने, कौन से रूट से आपका मैकेनिज्म जाएगा। जैसा कि हमने आपको हिंट दे ही दिया है कौन सी रिएक्शन जाने वाली है, सेकंड आपकी अल्डर इन, फर्स्ट में वुल्फ रिएक्शन जाएगी और सेकंड में अल्डर इन। तो अल्डर इन का कौन सा वाला प्रोडक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। पहले हम लोग जाएंगे इसके मैकेनिज्म के साथ। पहले फर्स्ट जो हमें दिया है फ्यूरॉन दिया है और फ्यूरॉन के ही अल्फा वाले कार्बन पे क्या दिया है, डबल बॉन्ड एंड NH हाइड्राजोन दिया है। अब ये किससे मिला है, अगर हमें एग्जाम्स में दे देता है गाइस ये वाली मॉलिक्यूल, ये किससे मिला है आपको, ये इससे मिला है। ये हमने क्या किया यहाँ पे फ्यूरॉन ले लिया, फ्यूरॉन के ही अल्फा पे ये आ गया मेरा एल्डिहाइड्स। अब साथ ही में ये जो दिख रहा है NNH2 तो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको हाइड्राजोन NH2। इसी से मिलकर ये दोनों की रिएक्शन से क्या मिला है आपको, ये वाली बॉडी मिली है। तो आपके जीजेजी में डायरेक्ट उसने यहाँ से दिया है, ये किस तरह मिली है हमें, ये जो H2 जाएगा और ये O जाएगा, यानी ओवरऑल आपका बाहर क्या जा रहा है, H2O बाहर निकल रहा है और मॉलिक्यूल क्या मिल रही है ये। अब यहाँ से आगे क्या दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट कंडीशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड PtCl(Y). अब यहाँ से आगे ये जो रिएक्शन है मैं यहीं पर लिख लेता हूँ शॉर्ट में, वुल्फ किशनर रिडक्शंस क्या होने वाला है, वुल्फ किशनर रिडक्शन होगा। फर्स्ट बेस नेगेटिव चार्ज सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, क्या हमारे दिया हुआ गिवन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स गिवन में दिया हुआ है। अब क्या करेगा यहाँ पे जो NH2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे एक H यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं रिएक्शन के लिए आसानी जाएगी, ये H कैप्चर करेगा N से और क्या मिलेगा हमें, अब देखो यहाँ पे मिल क्या रहा है, यहाँ पे हमें मिल क्या रहा है, ये वाली मॉलिक्यूल मिल गई ये डबल बॉन्ड NH और चार कैसा आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ से आगे क्या होगा, जो माइनस चार्ज है डीलोकलाइज करेगा इधर, अरे कार्बन और नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं इमाइंस। अब ये क्या करेगा, इस इमाइन का जो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो मॉलिक्यूल मिलेगी, अब देखो क्या मिल रही है हमें, ये फ्यूरॉन हमारा आ गया एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज एन डबल बॉन्ड NH, ये मिल गया। अब क्या होता है यहाँ से बाहर क्या कर रहे थे हम लोग, OH- ने क्या किया था, प्रोटॉन कैप्चर किया था NH का। अब NH का प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद बाहर क्या जा रहा है यहाँ से,
H2O क्या जा रहा है बाहर, H2O बाहर जा रहा है, तो जो H2O बाहर गया था हमने क्या किया, उसी से यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाए। देखो यहाँ पे एक O, एक H और ये दूसरा H, क्या करेगा ये इधर इस तरह से प्रोटोन कैप्चर करेगा और H2O का जो HO का बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉइटी मिलती है देखो अब क्या मिलती है, यहाँ पे फ्यूरॉन एज इट इज, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एन H। अब ये बाहर क्या जा रहा था, यहाँ पे OH माइनस जा रहा था, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड्स बाहर जा रहा था। अब जो हाइड्रोक्साइड है वो फर्दर इसके साथ रिएक्शंस करता है गाइस, और ये जो NH का प्रोटॉन है, ये जो NH का प्रोटॉन है मैं इसे इस तरह बताता हूँ, ये प्रोटॉन कैप्चर करेगा यहाँ पे और फिर से दोबारा नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो ये N डबल बॉन्ड N पे चार्ज आ गया माइनस। अब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है, अब इनका बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, किस तरह से ब्रेक होगा, देखो जो माइनस चार्ज बना है नाइट्रोजन का इधर डीलोकलाइज करेगा, इस तरह से शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। अब मॉइटी क्या मिलती है देखो, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, यहाँ से आगे हमें क्या करना है, सेकंड में अल्डर इन रिएक्शंस करना है। अब ये आ गया निगेटिव चार्ज, N2 में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये N2 मेरा चला गया बाहर, N2 बाहर हो गया। अब यहाँ से आगे क्या होगा देखो, अब ये जो आपको मिला है कार्बन अनायंस, अब ये क्या करेगा, इस तरह से इधर डीलोकलाइज होगा, इस तरह से डीलोकलाइज होगा, यहाँ पे ये हो गया डीलोकलाइज और मैं यहाँ शिफ्ट करा रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी ये, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, ये मेरा आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था ये वाला, अब ये निगेटिव चार्ज, अगर ये निगेटिव चार्ज इधर पार्टिसिपेट करता है, देखो यहाँ पे अगर इधर पार्टिसिपेट करता है इस तरह से यहाँ पे और इधर शिफ्ट होता है तो निगेटिव चार्ज का आ जाएगा आपका इस वाले कार्बन पे आएगा, कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा, ये आ गया मेरा निगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड एज इट इज और ये दूसरा वाला डबल बॉन्ड। अब एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे और एक यहाँ पे, मैंने क्या किया इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, ये जो OH था क्या किया था, प्रोटॉन कैप्चर किया, H2O बन जाएगा। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एडिशंस करवाएंगे गाइस, तो मुझे जो मॉइटी मिलती है देखो अब क्या मिलेगी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हमें कौन सी रिएक्शंस करना है गाइस, अल्डर इन रिएक्शंस करना है, और अल्डर इन रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, ऑर्बिटल किस तरह से चाहिए हमें, रिएक्शंस के अंदर आपके रिएक्टेंट के और रिएजेंट के किस तरह से ऑर्बिटल चाहिए, कौन से ऑर्बिटल इंटरेक्शंस करते हैं डाइसल्डर रिएक्शंस के साथ। वैसे भी गाइस हम लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, हमारी नेम रिएक्शन की सीरीज चल ही रही है, हमने वहां पे 3 आई थिंक नेम रिएक्शंस कंप्लीट किया है, फर्स्ट शैपिरो रिएक्शंस हमने कंप्लीट किया है और उस शैपिरो रिएक्शंस पे आपके सेट के एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनाए जो हमने एग्जाम्पल्स लिया था जीजेक्ली में, वही एग्जाम्पल्स आपके सेट के एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर उसी के साथ हमने बम्फोर्ड स्टीवन भी कम्प्लीट किया है और रिएक्शन 3 हमने लिया है आपकी बेली सिलमन रिएक्शन। इस तरह से हमने 3 नेम रिएक्शन आपकी कंप्लीट किया है और अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम अल्डर इन रिएक्शंस पे ही उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली मॉइटी मिल गई यहाँ पे, क्या आ गया मेरा ये मैं बता रहा हूँ आपको, हाइड्रोजन। अब ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, एक ये पॉसिबिलिटी। अब दूसरी, अब ये जो निगेटिव चार्ज मेरा यहाँ पे आ रहा था ये वाला, अब मैंने क्या किया इसे डीलोकलाइज किया इधर, तो मैं क्या करा रहा हूँ, मैं डबल से एक और मॉइटी बना रहा हूँ इसी तरह से, यही वाली विदाउट आपका पाई बॉन्ड डीलोकलाइज किए। ये जो निगेटिव चार्ज है मेरा, इसने क्या किया, यहीं से प्रोटॉन ले लिया, क्या किया इसने, यहीं से हमने क्या किया H2 को एडिशन करवा दिया। तो गाइस क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी कैसे हाइड्रोजन है, आपको एलाइलिक हाइड्रोजन दिया हुआ है और ये वाला हाइड्रोजन भी, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन मिला है आपको ये भी एलाइलिक हाइड्रोजन मिला है, ये डबल बॉन्ड के सामने एलाइलिक हाइड्रोजन।
लेकिन गाइज अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले कंपाउंड्स की, सिर्फ इतनी कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इस वाले कंपाउंड्स की और इस वाले कंपाउंड्स की। अब ये जो दो मॉइटी हमें मिली है, इसे हम लोग जनरली कहेंगे ए वाली मॉइटी और इसे बी वाली मॉइटी, ठीक है। अब बात करते हैं अल्डर इन पे। ये मान लो ये हमें क्या मिल गया, ये एक पी मिल गया हमें और ये दूसरा वाला पी। ये दो पॉसिबिलिटी है हमारी पी फॉर्मेशन होने की। अब ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये दोनों ही कैसा है, ये हाइड्रोजन्स और ये पाई बॉन्ड, ये दोनों ही एक दूसरे के गाइस कैसा है, ये पैरेलल है, जैसा कि चाहिए होता है आपके अल्डर इन रिएक्शंस के अंदर। पैरेलल पोजीशंस को जा रहे है, दोनों भी सेम साइड जा रहा है, ठीक है, पैरेलल पोजीशंस। और ये जो पोजीशन है गाइस देखो इसकी, ये हाइड्रोजन्स की पोजीशन इस तरह से इधर, और ये पाई बॉन्ड किधर जा रहा है, ये अपसाइड को यहाँ पे। अब अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कार्बन कंपाउंड के साथ, जैसा कि हम लोग जनरली करते हैं अल्डर इन रिएक्शंस के अंदर, अब ये फसाइल से रिएक्शंस देंगे यहाँ पे, ठीक है, या ये रिएक्शंस करेंगी। अगर हम लोग बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले कंपाउंड की बात करते हैं, यहीं पे बताता हूँ आपको मैं। देखो अब ये जो मॉइटी है मेरी, ये वाली, ये डबल बॉन्ड, ये अल्किन आ गया, और यहाँ पे है मेरे पास हाइड्रोजन। अब ये मैंने क्या किया, ये जो कंपाउंड दिया कार्बोनिल कंपाउंड, ये मैं इसे R कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरह से रिएक्शंस होंगी हमारी, अब मैं यहीं पे बताता हूँ। ये मेरा आ गया ऑक्सीजन को नीचे लेंगे हम लोग, और ये R ग्रुप आ गया पूरा, ये जो पूरा ग्रुप है आपका, हम लोग इसे R कंसीडर करेंगे। ये यहाँ से ये एस्टर है, इसे हम लोग R कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो दूर दूर तक गाइस यहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये इधर शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है अल्डर इन रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं, आपका जो अलाइलिक हाइड्रोजन होता है वो माइग्रेट होता है, वो शिफ्ट होता है किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। हम लोग आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे गाइस आपके क्लेडन की। अब यहाँ पे जब इस पे अटैक करेगा, इस पे इसने अटैक कर दिया, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन दिख रहा है कि आपको, जैसा कि बोल रहा है आपका क्लेडन पैरेलल चाहिए, कैसा चाहिए भाई, ये हाइड्रोजन और ये पाई बॉन्ड्स, ठीक है, प्योर ऑर्बिटल्स और ये हाइड्रोजन। प्योर ऑर्बिटल किसके है, इस कार्बन के, जो कार्बन है यहाँ पे इसका जो प्योर ऑर्बिटल्स है और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को पैरेलल चाहिए, तो आपकी जो अल्डर इन रिएक्शन होंगी वो फसाइल होंगी, वो इजीली से हो जाएंगी। अब यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं, इंटरेक्शन का हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी अल्डर इन रिएक्शन होंगी क्या इस वाली केस में, नहीं होंगी। तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो अल्किन के अल्फा वाले कार्बन पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, वो ऑप्शन को एलिमिनेट करना है हमें। तो देखो ऐसा कहाँ कहाँ पे ऑप्शन है, अल्किन के पाई बॉन्ड के अल्फा वाले कार्बन पे, अल्किन के, ये जो अल्किन है हमारा उसी के हमने अल्फा कार्बन से रिएक्शन करवाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, डी वाला, डी वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, डी वाला ऑप्शन आपका होता है कैंसल आउट। जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इस तरह से यहाँ पे, इस पे शिफ्ट, ये यहाँ, तो ये हमें मॉइटी मिलती है देखो इस तरह से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये O H ये R, और यहाँ पे ये से एरोमेटाइजेशन करने के लिए ये वाली मॉइटी मिल जाएंगी। तो ये पॉसिबल है क्या गाइस, यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, ये समझो, कंसेप्ट समझो बस, अल्डर इन में कंसेप्ट क्या है, क्या कह रहा है आपका क्लेडन में, आपका जो पी ऑर्बिटल है पाई बॉन्ड के, एक कार्बन के, ठीक है, हरी हाइड्रोजन है, कैसा चाहिए, एक दूसरे को पैरेलल चाहिए, यानी कि सेम डायरेक्शन में चाहिए, तो हम लोग इजिली से रिएक्शन करवा सकते हैं। ऑर्बिटल वहां पे अच्छे से ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो हमें मिला है बी वाली मॉइटी, इसमें हम लोग इजिली से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड, यानी कि इसका पी वाला ऑर्बिटल और हाइड्रोजन एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से इस कार्बोनिल के और इस पाई बॉन्ड के हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में इंटरेक्शन नहीं होंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होंगी, यानी कि यहाँ पे अल्डर इन रिएक्शन नहीं होंगी। अब इसमें किस तरह से होंगे, कहा बनाया हमने ये, अब देखो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इससे मैं साफ कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझ गया आपको, इससे क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये ऑर्बिटल उसके पैरेलल नहीं है, जैसा कि ये पैरेलल है सेम साइड में, ठीक है ना, इसे हम लोग पैरेलल डायरेक्शन कहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मेट रहा हूँ नीचे वाले को, ये हमारा हो गया कैंसल आउट हो गया। अब रिएक्शन किसके साथ जाएंगे, हमारे इस वाले केस के साथ रिएक्शन जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अब यहीं से कंटिन्यू करता हूँ इसे। अब देखो क्या दिया है हमें, कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है, और किस तरह से दिया है कार्बोनिल ग्रुप्स, इसे हम लोग अच्छे से करेंगे, ये हो गया हमारा, इसे मेट देंगे। अब अल्किन बनाएंगे यहाँ पे और हाइड्रोजन्स, अब ये जो अल्किन है मेरे पास, ये अल्किन आ गया और ये हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन। अब देखो
कार्बोनिल ग्रुप। ये डबल बॉन्ड ओ क्या दिया है हमें, ओ CH2 CH3। अब देखो किस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग होंगी, ये दोनों ही कैसे हो गया एक दूसरे को गाइस पैरेलल हो गए। ये इधर शिफ्ट होगा इस तरह से, ये जो अल्कीन है ये इस पे शिफ्ट करेगा और ये इजीली से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। यानी कि ये हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है, ओवरऑल देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के पास जा रहा है। और कंडीशन कैसी है इसकी, अलाइलिक के पैरेलल है, क्या क्या कंडीशन चाहिए एल्डरिन में, सबसे पहले हमें अलाइलिक हाइड्रोजन देखना होता है और उसी के साथ उसका जो नेचर चाहिए कैसा चाहिए, अल्कीन का और इस हाइड्रोजन का पैरेलल चाहिए। ये बात आपके नोट्स में आप ऐड कर लो, ठीक है, ये चीज आपके नोट्स में इसे गाइस ऐड कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और अल्डर इन रिएक्शन आपके सेट में भी अभी रिसेंटली में जो हुआ है उसमें ये पूछी गई है, और यही कंसेप्ट से उसमें भी क्या है पैरेलल। अगर आप लोग देखोगे हमारा मैंने सेंसर्स की डाला हुआ हो महाराष्ट्र सेट की, उसमें क्वेश्चन पूछा है अल्डर इन रिएक्शन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन होंगी देखो क्या होंगी, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये शिफ्ट हो गया, मैं क्या कर रहा हूं भाई, ये CH2 क्या किया, इस एल्डिहाइड पर अटैक किया, ये एल्डिहाइड का कार्बन, इसने क्या किया यहां से प्रोटॉन ले लिया OH, और यहाँ पे क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसी के आगे कार्बोनिल ग्रुप है मेरा दिया हुआ गिवन में, ये ओ CH2 CH3, ऐसा प्रोडक्ट कहां पे दिख रहा है आपको, देखो बी वाला, उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा फिर, बी वाला। यहाँ से आगे जो रिएक्शन गई है कौन सी रिएक्शन गई है गाइस, ये अल्डर इन रिएक्शन, अल्डर इन रिएक्शन, ठीक है। तो गाइस कंसेप्ट किस तरह लगा आपको, अगर वीडियो समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। हम बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।